हमारी फास्ट लोकल आ चुकी है दादर जाने वाली। वैसे आज भीड़ बहुत ही कम है इस लोकल के अंदर, और ये लोकल का फर्स्ट क्लास है इसलिए भीड़ कम है। और मैं जब भी ट्रेवल करता हूँ लोकल में ज़्यादातर फर्स्ट क्लास में जाता हूँ। हम लोग उतर चुके हैं दादर वेस्टर्न के अंदर और हमें जाना है दादर सेंट्रल। तो चलिए ऊपर गामी पुल पे जाना पड़ेगा और वहाँ से चलते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे। ये है बॉर्डर ऊपर गामी पुल के ऊपर, जहाँ से अगर पीछे आप लोग जाते हैं तो वेस्टर्न रेलवे है और यहाँ से हम लोग इधर जाते हैं तो सेंट्रल रेलवे। जैसे ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म है दादर का सेंट्रल रेलवे का, और गाड़ी हमारी खुल चुकी है CST से। 24 नंबर सीट है, विंडो साइड है। तो चलिए सबसे पीछे चलते हैं क्योंकि आगे रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। और जैसा कि D1 में बैठने के चक्कर में दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एकदम दादर के सबसे पीछे, जहाँ पे प्लेटफॉर्म ख़त्म होता है। ये हमारी शताब्दी एक्सप्रेस आ चुकी है, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो क्या जैसा कि देख सकते हैं हमारी गाड़ी पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग हैं D5 कोच के पास, लेकिन हमारा कोच है D1। तो चलिए D1 के पास। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारे यात्री बोर्ड करने वाले हैं, CST से ज़्यादा लोग मेरे को लग रहा है यहीं पे बोर्ड किए, क्योंकि ट्रेन पूरा खाली है और यहाँ काफ़ी सारे लोग बैठ रहे हैं। वैसे देखिए मैंने बोला था कि मेरे को धूप में आना ही पड़ेगा, तो मैंने आ गया आप लोगों के लिए। तो लाइक कर दीजिए, नहीं अभी कुछ नहीं कीजिए, बाद में कीजिएगा। चलिए हम D1 में चलते हैं। और भाई D1 बहुत ही पीछे है, मेरे को लगता है जनरल से भी पीछे मेरे को D1 कर दिया है। बताइए, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है इस वजह से धूप का असर नहीं हो रहा है। D1 में कितना सारे लोग हैं देखिए, वोट करने वाले बहुत सारे रुके हुए क्यों हैं, और काफ़ी सारे लोग इंतज़ार में हैं कि गाड़ी दोबारा रुकेगी। काफ़ी सारे लोग और वोट करने वाले हैं। चलिए रुक गई फाइनली। ये अंदर का सीन आप लोग देख सकते हैं गाड़ी के, जन शताब्दी का, और मेरा सीट है 24 मेरा है उधर वाला। तो जैसा कि हम लोग विंडो साइड सीट सिलेक्ट किए थे, लेकिन देख सकते हैं विंडो साइड का मेरे को क्या मिला है। ये विंडो मिला क्या भैया? आप भी विंडो साइड किए थे? मेरे को इंडन साइड मिला। आपको भी नहीं मिला? नहीं, मेरे को कहा था उसने विंडो साइड बैठो। देखिए ऐसा मेरे को चार्जिंग साइड मिल चुका है। वैसे गाड़ी हमारी खुल चुकी है दादर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से। चलिए थोड़ा सा बाहर निकलते और सीन दिखाते हैं बाहर का आपको। खुल चुकी है भाई, खुल चुकी है दादर सेंट्रल से। हट जा भैया। ये है दादर का प्लेटफॉर्म संख्या 4, जहाँ से हमारी जन शताब्दी खुल चुकी है दोस्तों। देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं लोकल ट्रेन का। जब गाड़ी अपना समय से खुल जाता है तो इसका मज़ा ही कुछ अलग आता है।
पानी तो आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। वैसे गर्मी बहुत लग रहा है गाड़ी के अंदर, बहुत गर्मी। 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है ठाणे। ऐसे यहां पे गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकी है तो लाइन क्लियर होने का इंतजार है। वैसे ठाणे देख सकते हैं गाड़ी जो कि CST से खुलती है तो दादर में रुकती है, और दादर से ठाणे, और ठाणे से जाएगी अब कल्याण। और ठाणे देख सकते हैं ये मुंबई सेंट्रल के ही अंदर आता है, खुल चुकी है ठाणे से। और ये ठाणे का प्लेटफॉर्म संख्या 5 अपने निर्धारित समय से गाड़ी हमारी खुल चुकी है, इसी बात की खुशी है। हमारी गाड़ी जाएगी कल्याण, और कल्याण के बाद जो है कि घाटों का सेक्शन जब स्टार्ट होगा ना दोस्तों, उसका सीन अगर आप लोग देख लेंगे ना तो कहेंगे वाओ क्या सीन है। और जैसा कि गाड़ी हमारी रुक चुकी है कसाड़ा में, आप लोग देख सकते हैं कसाड़ा का प्लेटफॉर्म संख्या 1 है, और हमारे इस तरफ लगा हुआ है गोरखपुर CSMT, जो कि गोरखपुर से CSMT तक जाती है। आप लोग देख सकते हैं खुल चुकी है। देखिए गाड़ी खुल चुकी है, और जनरल क्लास का ये हाल है भाई, सेकेंड क्लास का। देखिए कैसे लोग बैठ रहे हैं, जो भाई अंदर में। ये हमारी गाड़ी खुल चुकी है, गाड़ी हमारी कसारा से खुल चुकी है। और ये कसारा जो है कि समुद्र तल से 308.42 मीटर की ऊंचाई पे, यानी कि समझ सकते हैं दोस्तों ये पहाड़ी इलाका है, और ये पहाड़ों पे स्टेशन है। 308 मीटर मतलब समझ रहे हैं बहुत ही ऊंचाई पे है, क्योंकि ट्रेन हमारी स्लो आ रही थी, मेरे को तभी पता चल गया कि वो गाड़ी हमारी ऊपर की तरफ चढ़ रही है। के बाद यहाँ पे घाटों का सेक्शन स्टार्ट होता है, तो दोस्तों अब मजा आएगा प्राकृतिक सुंदरताओं को देखने का। देखिए बहुत आवाज कर रहा है, अब जो है कि प्राकृतिक सुंदरता आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, जो कि कसारा के बाद ही स्टार्ट होता है घाटों का सेक्शन। और देखिए कैसे गुफा आता है, मतलब
खतरनाक वाली फीलिंग होने वाली है। बहुत आवाज कर रहा है, इतना आवाज। देखिए कैसे अब गुफा में हमारी गाड़ी प्रवेश करेगी। वैसे इस बार रफ्तार कुछ ज़्यादा ही है। खूबसूरती को सच में दोस्तों बहुत ही ऊंचाई पे अभी हम लोग हैं, बहुत ऊंचाई पे देख सकते हैं आप लोग। देखिए ओ भाई, दोस्तों मजा आ गया इस जर्नी को करके, बहुत मजा आ गया। इतना एडवेंचर ट्रेन जर्नी, ये लाइफ का दूसरा है, पहला था गोड़म घाट और दूसरा ये है हमारा। पीछे हमारी गाड़ी को तीन तीन इंजन मिल के धकेल रही है, बताइए तीन इंजन, इस गाड़ी में तीन इंजन लगा हुआ है। देखिए पीछे गाड़ी में तीन इंजन लगा हुआ है, तीन इंजन, एक नहीं दो नहीं तीन इंजन लगा हुआ है।
दोस्तों प्रकृति खूबसूरती देखिए, देखिए झरना बह रहा है, वो देख सकते हैं झरना। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत, देखिए कितना बड़ा खाई है, देखिए पूरा पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया। सो फाइनली गाइस 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है जन शताब्दी एक्सप्रेस इगतपुरी। इगतपुरी मतलब यहाँ पे कुछ बहुत सारा घूमने वाला भी जगह है, जो कि किला वगैरह है, त्रियंगपुरी ऐसे कुछ नाम का किला वगैरह यहाँ पे घूमने वाला है। तो भाई जंक्शन बहुत ही अच्छा है, साफ़ सफाई यहाँ पर बहुत अच्छा तरह से रखा गया है। कुछ खाएँगे पियेंगे और चलिए गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी हमारी 20 मिनट डिले यहाँ पहुँची है, तो 4 तो बज ही जाएगा नासिक रोड जाने जाते हैं। चलिए उतरा जाए गाड़ी से नीचे। तो फाइनली गाइस 183 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हमारी जो कि जन शताब्दी एक्सप्रेस पहुंचा दी है नासिक रोड। और ये नासिक रोड आने में अभी गाड़ी हमारी 10 मिनट डिले पहुंचाई है, तो अब यहां से हमारा नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा यहाँ से। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते, उम्मीद करते आपको पसंद है, पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।